नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना राष्ट्रवी। छत्तीसगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया। अक्सर आपने देखा होगा कि प्यार में फंसे हुए प्रेमी किस तरीके से इंतकाम लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। दरअसल एक लड़की की शादी हो रही थी और शादी के दौरान मंडप पर एक थिएटर रखा हुआ मिला। लोगों ने सोचा कि शायद ये गिफ्ट है और उन्होंने उठाकर उसे रख लिया। उसके बाद दहेज के सामान में वो थिएटर भी लड़की के ससुराल में पहुंच गया और जब लड़की के पति ने उस थिएटर को चलाने के लिए बटन दबाया यानी स्विच ऑन किया, तो उसी दौरान अचानक बहुत तेज धमाका हुआ और उस धमाके में दूल्हे और उसके भाई की मौत हो गई। ये सनसनीखेज घटना, हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था, जब पुलिस ने भी जांच करने की कोशिश की, जब मौके पर पुलिस पहुंची तो ये लगा कि शायद ये गैस सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ है, विस्फोट हुआ है। लेकिन जब इसकी पड़ताल गहनता से की गई तो ये मालूम हुआ कि थिएटर के अंदर विस्फोट हुआ। थिएटर में जो होम थिएटर होता है उसके अंदर बारूद भरा हुआ था, यानी इंतकाम लेने की नियत से ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। उस थिएटर में बारूद भरकर भेजा गया था, क्योंकि जब गिफ्ट की पड़ताल की गई तो ये पता चला कि संजू मरकाम नाम का, जो कि लड़की का प्रेमी रहा था पहले, लव ट्राइंगल का एंगल पुलिस को मिला। उसके बाद पुलिस ने जब गहनता से पड़ताल की तो ये पता चला कि संजू मरकाम ने ही इस गिफ्ट को वहां पर रखा था। हालांकि लड़की के परिजनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना हुई है छत्तीसगढ़ में। इस घटना के बाद से ही लोग अब घबराए हुए हैं, क्योंकि प्यार में कोई इस हद तक पहुंच सकता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसी प्रेमिका को जिसके लिए जीने मरने की कसमें आप खाते हैं, उसके लिए आप इस तरह की हरकत करेंगे कि उसके पति की डेथ हो गई है और साथ ही उसका, अब आप अंदाजा लगाइए कि उसका पूरा जीवन ही लगभग अब किस तरह से बीतेगा। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस प्रेमी को, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इंतकाम लेने के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं। कई बार लड़की पर तेजाब फेंक दिया जाता है या लड़कों के साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई आपका दुश्मन है और आपके घर में घुसकर वो किस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, या कोई भी लावारिस गिफ्ट आपको मिलता है तो उसे कभी भी अपने पास ना रखें। पहले हर चीज़ की छानबीन कर लें ताकि इतना बड़ा नुकसान आपको ना झेलना।